बढ़ेंगे कौशाम्बी से बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया के शूटर अब्दुल कवि के सरेंडर के बाद अहम खुलासे। तो राजूपाल की हत्या के बाद अब्दुल के नाम राइफल लाइसेंस जारी। 2006 में शूटर अब्दुल कवि के नाम लाइसेंस हुआ था मंजूर। तो 24 अगस्त 2009 को राइफल के लाइसेंस को रिन्यू किया गया। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां माफिया के शूटर अब्दुल कवि के सरेंडर के बाद अहम खुलासे सामने आए हैं। तो राजूपाल की हत्या के बाद अब्दुल के नाम राइफल लाइसेंस जारी किया गया। 2006 में शूटर अब्दुल कवि के नाम लाइसेंस मंजूर हुआ था। 24 अगस्त 2009 को राइफल के लाइसेंस को रिन्यू कराया गया। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे जो हैं वो यहां पर हो रहे हैं। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे अब्दुल कवि से जुड़ी हुई, जहां पर शूटर अब्दुल कवि के सरेंडर के बाद यह अहम खुलासा हुआ है कि राजूपाल की हत्या के बाद अब्दुल के नाम पर राइफल लाइसेंस जो है वो जारी किया गया। और 2006 में शूटर अब्दुल कवि के नाम पर यह लाइसेंस मंजूर हुआ था। तो 24 अगस्त 2009 को राइफल के लाइसेंस को रिन्यू कराया गया। तो फरार शूटर्स की एक तरफ तलाश यहां पर जारी है, दूसरी तरफ एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब्दुल कवि ने जिस तरह से सरेंडर किया है उसके बाद ये अहम खुलासा सामने आया है। तो राजूपाल की हत्या के बाद अब्दुल के नाम पर राइफल लाइसेंस जारी किया गया है। संवाददाता शेषधर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शेषधर, क्या जानकारी इस संदर्भ में, एक बड़ा खुलासा अब्दुल कवि के जरिए? बिल्कुल, राजूपाल हत्याकांड में वांछित अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवि को लेकर के सीबीआई कोर्ट ने 2016 से ही उसको जो है भगौड़ा घोषित कर दिया। उसके घर में छापेमारी की गई। हालांकि सीबीआई के अलावा कौशाम्बी पुलिस तत्कालीन अधिकारियों द्वारा भी अब्दुल कवि को भगौड़ा घोषित किया, लेकिन सरकारी अभियोगों में अब्दुल कवि को शस्त्र लाइसेंस 28 नवंबर 2009 को शस्त्र लाइसेंस राइफल का नवीनीकरण लाइसेंस कराता है, जिसकी जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा आने पर ही शस्त्र नवीनीकरण होता है। सराकिल थाना से लेकर के जिला कलेक्ट्रेट के कमिश्नरी में शस्त्र अनुभाग के बाबू की मिली घटक समझे या उसका दबदबा समझे अब्दुल कवि का, जिस तरह से 28 नवंबर 2014-15 में शस्त्र विभाग के लिपिक विधायक सुभाष जायसवाल ने इनको यूनिक आईडी प्रदान की, जो कि नए नियम आने पर शस्त्र लाइसेंस को यूनिक आईडी मिलती है जो ऑनलाइन दर्ज होती है, उसमें अब्दुल कवि के शस्त्र की यूनिक आईडी भी उसको जारी की गई। सबसे बड़ा सवाल जिसको सीबीआई और कौशाम्बी पुलिस भगौड़ा घोषित कर उसका शस्त्र लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो जा रहा, यूनिक आईडी मिली जा रही है। कहीं ना कहीं पूरे मामले में पूर्व के अधिकारी कर्मचारियों की या तो अब्दुल कवि खौफ समझे या तो अधिकारियों को मिली भर समझे। चलिए, उस खुलासे के बाद अब जांच किस तरह से आगे बढ़ती है देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया शेषधर तमाम जानकारी के लिए। तो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद के बारे में कौन नहीं जानता। आतंक का पर्याय बन चुके अतीक अहमद समेत उनके पूरे परिवार और अन्य करीबियों पर उमेश पाल की हत्या का आरोप लगा है। और इस बीच अतीक के कारनामों और गुनाहों की जांच कर चुके रिटायर्ड इंस्पेक्टर नारायण परिहार ने अतीक अहमद के राज खोले हैं। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 के इनाम को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। इस बीच राजूपाल हत्याकांड की जांच में शामिल रहे एक रिटायर्ड अधिकारी नारायण परिहार ने अतीक और उसके गुर्गों के कई अहम राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अतीक और उसके गुर्गे जुर्म करने के बाद भी बच जाते थे, लेकिन नारायण परिहार की दिलेरी और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के सामने अतीक की एक ना चली और उसे अपने किए की सजा मिली। बहुत हिम्मत जुटाने की बात थी, तमाम पूर्व आईओ आए, सब अपनी खाना पूर्ति करके चले गए। सरकार भी चाह रही थी कि कार्रवाई हो, तो हिम्मत बनी, कार्रवाई की गई। राजूपाल हत्याकांड में कुल 4 जांच अधिकारी थे, इनमें नारायण परिहार भी थे। नारायण परिहार की माने तो राजूपाल केस के दौरान उन्हें कई बार धमकियां मिली, साथ ही कई बार केस से हटने का दबाव भी डाला गया। नहीं, दबाव तो रहती थे उनके जो है, और चूंकि इतना खौफ था कि डायरेक्ट ना आके उनके तमाम लोग आकर के इनडायरेक्ट में सारी कहानी बता के मानसिक रूप से खौफ पैदा करना चाहते थे। अतीक का उस वक्त कितना खौफ था ये तस्दीक नारायण परिहार के बयान से लगा सकते हैं। नारायण परिहार की माने तो राजूपाल हत्याकांड की जांच के दौरान उन्हें पाकिस्तान से भी धमकी मिली थी। वो वहाँ पाकिस्तान में होना कोई गैर मुमकिन बात नहीं, वहाँ भी हो सकते इनके संपर्क। तो वो कहा गया कि तुम बहुत बड़का आईओ मत बनो,
अपने बाल बच्चे पालो। अतीक आज तक सजा से बचता आया है, इसकी वजह भी नारायण परिहार ने बताई। परिहार के माने तो अतीक के गुर्गे गवाहों को परेशान करते थे, प्रलोभन देते थे और जब वो नहीं मानते थे तो उनका हाल उमेश पाल जैसा कर दिया जाता था। गवाहों को डराना, धमकाना, प्रलोभन देना और घटना की अपनी एलिवाई अलग बनाना। अतीक और उसकी गुर्गों के जुर्मों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन सजा के नाम पर अब तक केवल एक केस में अतीक को सजा हुई है। इसके पीछे की वजह ये है कि अधिकतर मामलों में जब ये अपराध करते थे तो उसी दौरान अपनी लोकेशन कहीं और भी दिखाते थे। अभी देख लीजिए, तत्काल के उमेश पाल मर्डर कांड में असद का एटीएम उनके लड़के दिल्ली में यूज कर रहे हैं, उनका मोबाइल से बात कर रहे हैं कि जिससे अगर वो गाड़ी से उतर के अगर यहाँ फायरिंग ना करता तो यही होता कि असद वहाँ था ही नहीं। नारायण परिहार के माने तो अतीक के इस जुर्म में उसके परिवार की महिलाएं भी साथ देते हैं। ये महिलाएं पैसे का इंतजाम करती थी। इनका एक तो उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को मैनेज करने का काम है। पुलिस प्रशासन में, आम जनता में क्या चर्चाएं हो रही, उन सूचनाओं को संकलित करके